वो है सुहाना का मिस्टर राइट। जब होती है सुहाना इनसे गुस्सा तो हो जाती है इनकी हवा टाइट। लेकिन एक नहीं बल्कि कई लड़कियों का कहना है कि अगर उन्हें मिल जाए ऐसा दूल्हा तो हो जाएगा कुड़ियों का फ्यूचर ब्राइट। तो आज ऐसे ही ब्राइट ब्राइट जय सोनी यानी ईशान कश्यप से मिलने के लिए उनके फैंस में होगी फैन नंबर वन की जंग। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट्स का, हरनीत कौर भुसारी और नितेश मैदानी। हेलो, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? मैं सिर्फ थोड़ा टेंस हूँ, एंग्जाइटी है थोड़ी कि मैं जीतूंगी या नहीं, जय सोनी से मिल पाऊंगी या नहीं, बस तब से। अभी तक हमने टास्क नहीं दिया, गेम शुरू नहीं और आपने पहले ही हार माना। थोड़ी नर्वसनेस है। अच्छा, तकनीक का तो समझ में आता है बिकॉज जय है, जय के पीछे लड़कियाँ दो होंगी, लेकिन आप क्यों? मतलब आई वॉन्ट टू मीट हिम बिकॉज उसकी एक्टिंग अच्छी है, ही एक्ट्स गुड। He's like my elder brother. आज का आपका टास्क आपको बता दें। आपने कभी बॉलिंग की है? एक बार की थी। वैसे आप दोनों को बता दूं कि हम ये क्रिकेट की बॉलिंग की बात नहीं कर रहे, हम ये बॉलिंग गेम की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बॉल फेंकनी होती है। सामने 10 पिंस होते हैं और जो भी इसको उड़ाता है उसे पॉइंट्स मिलते हैं। टास्क को लेकर दोनों ही कॉन्फिडेंट थे कि क्रिकेट हो या नॉर्मल बॉलिंग का खेल, हम सारी पिंस को बोल्ड जरूर और सबसे जल्दी कर देंगे। और इन्हें दिए गए टास्क के हिसाब से दोनों में से जो भी सबसे पहले 10 बॉल से पिन को क्लीन बोल करेगा वो होगा आज का नंबर वन फैन। वैसे लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट, तो यहाँ पर मौजूद लेडी ने फर्स्ट आराम करते हुए नितेश को ही काम पर लगा दिया और नितेश उतरे बॉलिंग के मैदान में। बेचारे नितेश अर्जुन की तरह निशाना साध के तीर छोड़ रहे थे, मगर उनकी बॉल किसी चिड़ी मार की तरह निशाने के पास जाके खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाती। एक बार नितेश को लगा कि इस बार तो वो बॉल मार कर ही रहेंगे, तभी बॉल उनके हाथ से गिर गई। इनकी प्रॉब्लम को देख ट्रेनर वहां आए और उन्होंने नितेश को कुछ टिप्स भी दिए। आपने टास्क अच्छा किया मगर 10 में से काफी कम बॉल्स ही आपके निशाने पे लगी हैं। नितेश के बाद आई पंजाब दी कुड़ी हरनीत। ओए हरनीते, हो जा शुरू। क्या बात है, टास्क खत्म होते होते हरनीत का स्कोर नितेश से ज्यादा था
और नतीजा सबके सामने कि पंजाब दी स्कूडी ने मार ली बाजी और जल्दी ईशान से मिलने उनके घर। How are you? So great to see you. Okay, thank you. मतलब आपने ये कर या please please आपने ये तय कर लिया है कि मतलब इसको मोटा कर ही दें अभी शो बंद हुआ है। मैं भी आपको थोड़ा आधा सा खिला दूँ। मैं अकेला मोटा क्यों हूँ हाँ? मैं आपको भी मोटा कर लूँ। शक्ल से या पंजाबी लग रहे हो एकदम हट्टे घट्टे और मैं अभी तो मैं आपके लिए देख रही। मैं अभी वेट पुट ऑन नहीं कर सकता। प्लीज हैव अ सीट। सो व्हाट्स योर नेम? हरनीत व्हाट कौर? पंजाबियों मतलब कौर तो होना ही है। हरनीत कौर आपकी फोटो आपको क्या लग रहा है मेरी कौन सी फोटो है उसमें? ये मैं हूँ जब मैं एकदम ये भी मैं हूँ। लड़की की ड्रेस में जो हूँ ये भी मैं हूँ। मेरी मम्मी ने बहुत ही मन्नत मांगी थी मेरे लिए तो मम्मी को लड़की चाहिए थी। अब आ गया मैं तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था तभी तो मम्मी पहना देती थी और बोलती थी ऐसे पोज करो ऐसे पोज करो तो मैं कर देता था। वो लिखा है कीकू। हाँ तो वो मेरा पेटने में ये मुझे नहीं पता था। ये मेरा पेटने में कीकू। कीकू इज वेरी फनी एक्चुअली क्योंकि मेरा नाम एज इट इज जय है इतना छोटा नाम है तो उससे और शॉर्ट क्या होगा। तो देखिए आप मैं कितना मोटा था पहले। हाउ फैट आई वाज। मैं और मेरे फ्रेंड्स कराटे सीखने जाते थे यू नो लाइक मैंस स्पोर्ट समथिंग कराटे वराटे। मैं कहा ठीक है सो उसी की वजह से मैं थोड़ा पतला पतला हो गया। सो या अभी स्पोर्ट्स में और कुछ नहीं। स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट खेला करता था बट जब से दो बार मेरा लेफ्ट शोल्डर आई गॉट हर्ट फिर मैंने कहा नहीं अपने। फिर एक बार मैं फुटबॉल खेलने भी गया था तो वहाँ पे देखा मेरे लोगों के पैर टूटे हुए हैं। मैंने कहा मैं एक्टर बनने आया हूँ पता नहीं एक हाथ टूट जाएगा एक पैर तो सो आई गिव अप आई सेड अभी एक्टिंग करूँगा। ये मम्मी है जिन्होंने मुझे बचपन में लड़कियों के ड्रेस में फोटो खिंचवाए थे बिकॉज इनको चाहिए थी लड़की और मैं आ गया था। लड़का आ गया तो अभी अच्छा है। मेरी माँ उसका बचपन से यही शौक था। सेवन स्टैंडर्ड में था तब से बोला था कि मुझे एक्टर बनना है एक्टर बनना है। माय डैड वाज हैविंग अ थिएटर। मैं उनके साथ कभी कभार आता था बॉम्बे तो मैंने कहा पापा मुझे भी करना है ये सब। तो मैंने कहा कि क्या करना होगा तो मुझे फोटो चाहिए। तो हाउ डम आई वॉज। मैंने अपनी जेब से पासपोर्ट साइज फोटो निकाल के देखो ये फोटो चलेगा। तो अब मुझे हंसी आ रही है क्योंकि दे मेंड बाय अ पोर्टफोलियो। आप आइए मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है। दिस इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मिरर एवरी वन सेल्फ ऑप्शन नहीं बट एक्चुअली क्या है ना कि मिरर आई डोंट आई वांटेड डू समथिंग डिफरेंट तो ये मेरा ही प्लान था सब कि ऐसा कुछ करें। ये सारे मेरे अवार्ड्स हैं जो इन दिस टू एंड हाफ ईयर्स हैव गॉट सम अराउंड 10 अवार्ड्स। दिस इज फॉर बेस्ट एक्टर आई गॉट इट इन जी गोल्ड अवार्ड्स। फिर एक बेस्ट बेटा का मिला था मुझे। फिर एक स्टार न्यूज की तरफ से साथ बाबू साजिश की तरफ से भी मिला था मुझे सबसे बेचारा अवार्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस क्योंकि सुहाना जैसी बीवी हो तो मतलब मुझे बेचारा अवार्ड ही मिलना चाहिए। ही इज माय यंगर ब्रदर जो जितना मैं ऑन स्क्रीन मतलब मेरा ईशान का कैरेक्टर है उतना ही इनका गंदा वाला कैरेक्टर है। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मैं गुजराती में बोलता हूँ मतलब गुजराती में अगर किसी को बोलना हो कि आई लव यू सो लाइक हूँ तेने बहु 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 प्रेम करूँ छू एंड हूँ तारा माटे बद्दू लावीस। सो या दैट इज गुज्जू वाली आई लव यू। पंजाबी इज समवॉट सिमिलर टू हिंदी लाइक मैं तुहानू बहुत प्यार करदा रब दी सौर।
कि ऐ जन्म विच और अगले 7 दिनों विच यही मेरी गोटी बनेगी। अच्छा आप अपने बारे में बताइए, आपको मतलब किसी लड़की ने प्रपोज कैसे किया था? With weird and funny actually. I met somewhere on the station rather and it was like very face to face. Normally it's not face to face, या तो phone पे होता है या call पे या you know indirectly via phone. It was just face to face and I really love you. Really, blah blah. और आपने क्या बोला था? I'm not very sure now. Yes. मतलब अभी I'm sure नहीं हूँ मैं, बट अगर तुम मुझे 2 दिन बाद पूछोगे तो शायद मैं श्योर हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच। या प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड या आप हरनीत के I also hope so that I find someone very soon. Thank you so much. And Sadhu Sajid is always the medium. Ke, you know, humko aapse milate hain aur aapko humse milate hain. So thank you so much. And all the fans, please keep loving me. Please keep supporting me. Without that, I'm nothing. I keep repeating this thing.